हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में जो आयनिक एक्लिब्रियम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि ये क्या होता है नाउ इन द एग्जांपल नंबर वन अस कंसीडर द आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड नोन एज एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन लेते हैं हम एक्वासोल्यूशन में तो ये जब आयनाइज होगा तो आयनाइज होकर एसिटेट आयन बनाएगा और साथ में एच प्लस को क्या करेगा रिलीज करेगा आफ्टर सम टाइम इक्लिब्रियम इज़ अचीव्ड यानी सोल्यूशन में इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट ऐसे केस में जो आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं के ए यानी एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होती है कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है उनको हम न्यूमरेटर में लेते हैं और रिएक्टेंट को हम किस में लेते हैं डिनोमिनेटर में लेते हैं ये होती है के ए की वैल्यू अब मान लीजिए इस इक्लिप को हम डिस्टर्ब करते हैं यानी इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एच को डालते हैं अब एच को अगर हम डालेंगे एज इट इज़ अ स्ट्रोंग एसिड तो ये रिएक्शन एक्लिवरम में ना होके पूरा का पूरा एच क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या प्रोवाइड करेगा अपने को ये प्रोवाइड करेगा एच के साथ सी नेगेटिव अगर आप ध्यान दें जो इसने एच प्लस डोनेट यहाँ पे किया तो एच प्लस सोल्यूशन में पहले से भी अवेलेबल था यानी ये दोनों आयन क्या हो गए कॉमन आयनस हो गए इसके कारण क्या हो गया एच प्लस के यहाँ आने की वजह से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ गई तो आपने देखा कॉमन आयन की वजह से एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ गई अगर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज़ हो गई तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म इंक्रीज हो जाएगी और अगर ये न्यूमरेटर वाली टर्म इंक्रीज़ हो गई तो रिएक्शन का जो कॉफिशेंट होता है रिएक्शन कोशेंट जो होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी यानी जो इक्लिबियम कॉन्स्टेंट है उससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी अब जैसा कि आप जानते हैं इक्लिबियम कॉन्स्टेंट जो होता है वो मेनटेन रहता है वो फिक्स रहता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती इसीलिए आफ्टर सम टाइम अगेन इक्लिब्रियम अचीव होगा और दिस वैल्यू रिमेन विल रिमेन कॉन्स्टेंट अब ये वैल्यू मेंटेन करने के लिए न्यूमरेटर जो बढ़ गया था एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से उसे हमें घटाना होगा अब न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे घट सकती है न्यूमरेटर की वैल्यू तभी घट सकती है अगर रिएक्शन किस में जाती है बैकवर्ड में जाती है अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो घट जाएगी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज अल्फा की वैल्यू कम होने से जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएंगे एसिडेट आयन के और H+ प्लस के वो डिक्रीज होके के की वैल्यू को क्या करेंगे कांस्टेंट मेंटेन करेंगे तो आपने देखा इस केस में कॉमन आयन होने की वजह से ली चैटलियर प्रिंसिपल यानी एल का एप्लीकेशन हुआ और रिएक्शन बैकवर्ड में हुई जिससे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो गई लेस हो गई इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं कॉमन आयन इफेक्ट यानी कॉमन आयन की प्रेजेंस से कॉमन आयन के आने से सॉल्यूशन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिक्रीज होने को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट सो व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट इट इज इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन कॉमन आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल में हमने सोल्यूशन में ऑलरेडी लिया हुआ है ए सिल्वर क्लोराइड को लिया हुआ है अब ये रिएक्शन इक्लिवरम में लाई कर रही है जिसमें सोल्यूशन में ए जी प्लस भी है और सी एल माइनस भी है मान लीजिए हम इसमें एन डालते हैं एन जो होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा एन प्लस में एंड सी माइनस में अब अगर आप ध्यान दें तो ए और एन में सी नेगेटिव जो है इट इज़ अ कॉमन आयन इस कॉमन आयन के आने की वजह से सी एल नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा सोल्यूशन में इट विल इंक्रीज़ और अगर सी एल नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इक्लिब्रियम को मेंटेन करने के लिए यानी के इक्लिब्रियम की वैल्यू कॉन्स्टेंट है उसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड में जाएगी तो आपने देखा यहाँ पे हम स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तभी उसका इफेक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड ना करके वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा और ऐसे केस में जो ये अल्फ़ा है जो इक्लिवरियम है ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो कॉमन एंड इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है तो कॉमन एंड इफेक्ट सिग्निफिकेंट कब है जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं जो पूरा का पूरा सोल्यूशन में क्या हो जाता है डिसोसिएट होता है तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन दोबारा से द शिफ्ट इन इक्लिब्रियम दैट अकर्स बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ आयन ऑलरेडी इन्वॉल्व इन इक्लिब्रियम यानी इक्लिब्रियम में पहले से ही सी एल नेगेटिव इन्वॉल्व था हमने उसको एक्स्ट्रा डाल दिया एक्स्ट्रा डालने से इक्लिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और विद द हेल्प ऑफ लीज चटली प्रिंसिपल रिएक्शन किधर चली गई बैकवर्ड में चली गई इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट सो इज लेट रिवाइज वट यू हैव लर्न इस में आपने जाना कि एक हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड लिया था एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ था एसिटेट में और एच प्लस में और इक्लिवरियम अचीव हो गया था लेकिन उसके बाद हमने उसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एच सी एल डाला जो पूरा डिसोसिएट हो गया जिसका अल्फा क्या था वन जिस कारण सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया H+ के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इक्विमियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती थी पर जैसा कि आप जानते हैं इक्लीरियम कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती तो उसको मेंटेन करने के लिए न्यूमरेटर को मैंटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी बैकवर्ड में जाएगी जिससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा लेस क्यों हो जाएगा क्योंकि अब एसिटिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो डिसोसिएशन इसका क्या होगा कम होगा अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं कॉमन एंड इफेक्ट फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका एक्वरम भी बैकवर्ड शिफ्ट हुआ और प्रेसिपिटेशन हो गया ए जी सी एल का विद द हेल्प ऑफ कॉमन आन इफेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो यू गो नाट सी द प्रॉब्लम एक क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कॉमन एंड इफेक्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है ओके गायज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब